मैंने नहीं बताना कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ। तो उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। कोई मुझे अवार्ड अवार्ड की बात नहीं है, आप रहने दो। मैंने कहा ये किसी का फ़ोन मेरे इंक्वायरी ले रहे हैं, कोई CBI वाले। फिर होम मिनिस्ट्री से फ़ोन आया कि आपको पद्मश्री अवार्ड। तो मुझे बहुत अच्छा, जब मेरे को पहले फ़ोन आया ना तो मैं घबरा गई। पंजाबी अदाकार निर्मल ऋषि नु मिलिया पद्मश्री अवार्ड, राष्ट्रपति मुर्मू ने किया सम्मानित। तस्वीरां हुईयां वायरल। पंजाब दे पंजाबी सिनेमा लई कल दा दिन पूरा इतिहासक सी, क्योंकि पंजाबी इंडस्ट्री दी दिग्गज अदाकारा निर्मल ऋषि नु पद्मश्री अवार्ड नाल सम्मानित किया गया। जिवें ही निर्मल ऋषि दा नाम राष्ट्रपति भवन च गूंजिया तां हर पंजाबी दा सीना मां नाल चौड़ा हो गया। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ 1983 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਿਲਮ ਲੌਂਗ ਦਾ ਲਸ਼ਕਾਰਾ 'ਚ ਗੁਲਾਬੋ ਮਾਸੀ ਬਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੌਂਗ ਦਾ ਲਸ਼ਕਾਰਾ, ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਹ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਵ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਛਿੰਦਾ ਛਿੰਦਾ ਨੋ ਪਾਪਾ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। जब मेरे को पहले फ़ोन आया ना तो मैं घबरा गई। मैंने कहा ये किसी का फ़ोन मेरे इंक्वायरी ले रहे हैं, कोई CBI वाले। मैंने नहीं बताना कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ। तो उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। उन्होंने फिर कहा कि आप किसी, मेरी फ्रेंड बैठी थी मेरे साथ में, उसने कहा आप उठा लो, बात तो करो। फिर उन्होंने कहा कि आप कहाँ रहते हैं, आपका कैसा है, ये है वो है, आप इधर उधर की पूछने लगे मेरे से। मैंने कहा भाई मैंने आपसे बात नहीं करनी, मैंने कोई मुझे अवार्ड अवार्ड की बात नहीं है, आप रहने दो। तो फिर हमारे यहाँ कोई फ्रेंड थी, उनका बेटा DPRO लगा हुआ था, उसने कहा कि आंटी आप बात कर लो उनसे। फिर मैंने उनसे बात की, फिर उन्होंने बताया कि आपका अवार्ड है। फिर मैंने सोचा कि 26 जनवरी को देते हैं ना अवार्ड, हफ्ता पहला, दो हफ्ते पहले बात हुई थी, तो मैंने कहा वो अवार्ड होगा, चलो मैं दे देती हूँ। फिर जब 25 को फिर होम मिनिस्ट्री से फ़ोन आया कि आपको पद्मश्री अवार्ड, तो मुझे बहुत अच्छा लगा।